हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। मैं संगीता स्वागत करती हूँ आपका आज के न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से फिट होंगे। तो फ्रेंड, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरी क्योंकि तबीयत ख़राब हुई है, आपको दिख रहा होगा। आज तो थोड़ा ठीक हूँ, मतलब मैं खड़ी उठ पा रही हूँ और थोड़ा काम भी कर पा रही हूँ, लेकिन दो दिन तक मैं मतलब हम घूमने बाहर जब गए थे ना, तो मेरी उसी दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ना मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। ब्लॉग क्या, मैं फ़ोन ही हाथ पे नहीं ले पाई, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे जो है गाड़ी पे हॉस्पिटल लेके गए थे, यहीं अंदर ही कैंप वाले हॉस्पिटल में मुझे गाड़ी में लेके गए, क्योंकि मेरी इतनी हालत डाउन हो रखी थी कि मैं खुद चल के नहीं जा सकती थी। तो फ्रेंड्स, दो दिन ब्रेक के लिए माफ़ी चाहूँगी। और मैं ब्लॉग पता है कैसे डाल रही थी, ब्लॉग डाल रही थी मैं परसों का कल, कल का परसों, ऐसे करके डाल रही थी, क्योंकि बीच में टाइम ही नहीं मिला और फिर बीच में गैप भी हो गया था। तो अभी मैं आ रखी हूँ बाहर पे, और बाहर पे आप देख सकते हो मैंने अंदर बाहर पूरी सफाई क्लीनिंग कर ली है और अपनी बेटी को भी स्कूल भेज लिया है। और अंदर अभी नाश्ता बना रही है मेरी देवरानी, तो चलते हैं। यहाँ पर बना रही है मंजू नाश्ता, ये देखिए नाश्ता भी अब लगभग बन ही चुका है। और ये है सब्जी, आलू मटर गोभी की सब्जी है। और टाइम ही बता दूँ, टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, हाँ 9:07 अभी टाइम हो रहा है। और आज दिन है बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार जिसको हम बोलते हैं, आज गुरुवार है। और इसके बाद हम नाश्ता वगैरह करेंगे। जी, उसको घुमा रहे हैं अंदर, छोटा टुक्कू, इसकी भी तबीयत ख़राब हो रखी थी और बिब्बू की भी हो रखी थी, तीनों लोगों की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और ये जनाब देखो, क्या कर रहे हैं गाइस? मैं ना अंदर नहीं रह पा रही हूँ, अंदर ना ऐसे घुटन जैसी मुझे लग रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बाहर पे टहल रही हूँ। और काम तो लगभग हो ही चुका है, इसके बाद नाश्ता करके हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ, इसीलिए मतलब मैंने फ़ोन लिया है हाथ में, नहीं तो जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब तो आप लोगों को भी पता है कैसा लगता है। अगला इंसान सामने वाला ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हंस रहा है, कैसे मुस्कुरा रहा है, काश मैं भी ऐसा कर पाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल में जब तबीयत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, तो वही इंसान केवल जान सकता है जिस पर। तो चलो ठीक है, अब अच्छा है, सही हो गई हूँ, नहीं तो मेरे को तो डर लग गया था कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। आजकल कोरोना की भी चर्चाएं होने लग गई है कि कोरोना फिर से आ रहा है, तो मन में ऐसे डर जैसा भी हो गया था एक बार। लेकिन हॉस्पिटल में तो चले गए थे, लेकिन मैंने कहा हॉस्पिटल वाले अब वापस आने देंगे कि नहीं आने देंगे, कोई कंफर्म नहीं था। लेकिन डॉक्टर सर ने बोला कि नहीं, ये वायरल फीवर है, मौसम चेंज की वजह से तुम्हारी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, और साथ में बच्चों की भी हो गई थी, क्योंकि 4-5 दिन का सफ़र लगातार रहता है ना, तो तबीयत ख़राब तो कंपलसरी ही है। और चलो कोई नहीं, कौन करता है हल्ला? क्यों करते हो हल्ला हल्ला, पूछ तो। बोला अभी हमारे साथ हो ना, लड़ाई नहीं करना, अभी मेरे पापा है यहाँ के लोग, क्या छोटे हो अभी मैं आपके सामने एक बार फिर से। और अभी मैं हूँ अपने किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ चाय, ये आप देख सकते हो।
और हम दिन में मैं नहा ली थी क्योंकि आज तबीयत थोड़ा ठीक था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी नहा लूँ और खाना पीना होगा। और अभी मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं और चाय का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लूँ, उसके बाद ही सारा काम करूँगी। और फिर किशु भी आने वाली है, उसका भी टाइम हो गया है स्कूल से आने का, तो उसको भी लेने जाना होगा शायद। मुझे क्या पता उसके पापा ही आते टाइम लेके आए उसको, वो जा रखे हैं उसी साइड। तो ये देखिए मैं चाय बना लूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं थोड़ा सा अपने गार्डन में, क्योंकि कब से मैं ना अपने गार्डन में नहीं गई। देखती हूँ कि उधर क्या हाल चाल है, फिर हमें वहाँ पर बीज वगैरह भी डाले हैं। मजा लेते हैं और मैं आ गई बाहर। और अंदर ना मैंने देवर देवरानी को अंदर ही चाय दे दी थी क्योंकि वो सो रखे थे। एक बार मैंने सोचा नहीं देती हूँ, लेकिन टाइम हो गया था तो मैंने बोला जगा दूँ अभी, क्योंकि वो दिन में सो रखे थे ना, और मैं मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैं 2 दिन तक सोई रही, तबीयत ख़राब थी तो जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आई। तो वो सब लोग सो रखे हैं और मैं आ गई फिर से बाहर, क्योंकि अंदर मैंने आपको जैसे पहले ही बताया बहुत कम मैं अंदर रह रही हूँ, बाहर ही पर रह रही हूँ क्योंकि बाहर पे अच्छी हवा चल रही है। बात करूँ मौसम की तो मौसम ना यहाँ का हो तो वैसे गर्म रहा है, लेकिन आज बहुत कम आई है ये देखिए। और सामने जो है ऊपर वाली दीदी भी आ रखी है नीचे पे बेटे का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि वो स्कूल जा रखा है उनका भी, तो आ रखी है नीचे पे। हेलो बेटा, हाय हाय करो आंटी को, हाय करो हाय करो। ये देखो ये है सूर्या का भाई आजकल बड़ा हो गया ना, आया सीधे और मेरे पास बैठ गया यहाँ पे। ये देखो अब करेगा ये हाय, बोलो बेटा हाय बोलो। अभी कैसे कर रहे थे ना, करो जल्दी से। ये देखो हाय ये देखो हंस रहा है, देखो हाय देखा कर ही लिया तूने अभी हाय। ये देखिए मैं जब तक जा रही थी तब तक ये लोग आ भी गए। इस उपापति ने सोचता कि जन मतलब तुम ही झाड़ब। कैसा रहा बेटा आज का दिन? जबरदस्ती। गाइस अभी आ गई हूँ मैं अपने खेत में, यानी कि अपने छोटे से गार्डन में। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1-1.5 महीने घर छुट्टी जाने का नतीजा। ये देखिए यहाँ पे ना पूरी जो है कांटे ही कांटे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे केवल मेरे बैंगन के 2-4 पौधे, मतलब पौधे तो सभी बचे हुए हैं लेकिन यही केवल यहाँ पे काम के हैं। बाकी सारा ना आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा यहाँ पे घास ही घास जमा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो पूरा ना यहाँ पे पूरा घास ही घास जमा हुआ है। और वहाँ पे देखिए दो दो पौधे वहाँ पे आपको बैंगन के भी दिखेंगे और ये यहाँ पे आप दिख रहे होंगे। तो गाइस ये देखिए ये है ना पालक का पौधा है यहाँ पे, यहाँ पे ये 1-2 पौधे ही बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा रही होगी ना, मतलब पानी आता गया होगा यहाँ से, तो इस वजह से ये बच रखे हैं। ये देखो 2-4 पौधे ना इस घास के नीचे भी है, तो मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि ना अभी
मुझे डर लग रही है बहुत ज़्यादा। तो दो चार पौधे जो है पालक के भी यहाँ पे बचे हुए हैं और मूली के भी हैं। और ये देखिए ये हैं बैंगनी वाले बैंगन और वो हरे वाले हैं, तोड़ के घर ले जा लेंगे क्योंकि यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। ये देखिए तीन प्रकार के बैंगन मिल गए हमें, हरे बैंगनी पीले। ये देखिए रात भी हो गई है और अब मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। सब्जी वब्जी वगैरह काटेंगे और उससे पहले बच्चे ले जा रखे हैं अभी देवरानी ने बाहर घुमाने के लिए। ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो के साथ मिलेंगे आपको अगले नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक बाय बाय। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।